सिंह का एक एल्बम दू गो रख ले बानी। जी हाँ, आजकल टिकटॉक पे कुछ ज़्यादा ही बवाल मचा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि यूट्यूब पर भी इसे अब तक 6 दिनों में लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है। तकरीबन 50 लाख लोगों ने देख लिया है और तो और इस गाने को लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं। लाइक की बात करें तो इस गाने को 1.5 लाख लाइक मिली है और डिसलाइक की बात करें तो 6,000, यानी उस हिसाब से पवन के इस गाने को लोगों ने बहुत पसंद किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पवन सिंह का ये गाना लोगों को इसलिए भी पसंद आ रहा है कि पवन का ये गाना काफ़ी नॉटी और काफ़ी मधुर है। इस गाने में इनका साथ दिया है प्रियंका सिंह ने। जी हाँ, प्रियंका सिंह जो सिंगर हैं, जिनके साथ पवन सिंह मोस्ट ऑफ अपने एल्बम्स लेकर आते हैं, इसमें उनका साथ प्रियंका सिंह ने दिया है और ये गाना लोगों को खूब भा रहा है। दू गो रख ले बानी को टिकटॉक पर भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, साथ ही साथ यूट्यूब पर भी इस गाने को बहुत सुना जा रहा है। आपको ये बता दें कि इससे पहले भी पवन सिंह का एक गाना काफ़ी पसंद किया गया था और भाई, जब गाने अच्छे आ जाते हैं तो लोगों को पसंद भी आ जाते हैं। वैसे पवन सिंह के साथ ये होता आ रहा है कि भले ही काफ़ी महीनों से पवन सिंह ट्रेंडिंग में नहीं चल रहे हो, लेकिन उनके गानों को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। अगर आपने ये गाना नहीं सुना है तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए दू गो रख ले बानी सॉन्ग पवन सिंह का, तो फिर ये आपको मिल जाएगा और आप इसे सुनिए, क्योंकि ये गाना हम भी रेकमेंड करेंगे आप सुनिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन गाना है। इसमें प्रियंका सिंह और पवन सिंह की जो नोक झोंक हो रही है, ये भी बहुत अच्छी लग रही है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।